जनक जनक तोरी बाजे पायनिया, जनक जनक तोरी बाजे पायनिया, प्रीत के गीत सुनाए पायनिया, प्रीत के गीत सुनाए पायनिया, जनक जनक तोरी बाजे महले और रेन सुहानी मबदनी सरे रे मबदनी सरे रे त्रिगर सरे नि सरे धनी सा पदनी मबदनी सरे गा छम छम नाचे मस्त जवानी मेले रो में खोया जा मेले रो में खोया जा वैसी धूम मचाए पायनिया जनक जनक तोरी बाजे आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर क्लासिकल गीत आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। काफ़ी दिनों से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मन्ना डे साहब के जो गाया हुआ गीत है राग दरबारी पर आधारित है, झनक झनक तोरी बाजे पायनिया, इस पर वीडियो बनाएं आलाप के साथ तान के साथ और सभी इफेक्ट के साथ। तो एक एक नोटेशन हम लोग देखने वाले हैं, वीडियो के साथ बने रहें और मैं कोशिश करूंगा जितना भी आसान तरीके से बताया जा सकता है मैं पूरा पूरा प्रयास करूंगा, एक एक इफेक्ट को कवर करूंगा और हम बिल्कुल ओरिजिनल कंपोजिशन के साथ इसको देखेंगे। हालांकि एक बार जो चीज़ बन गई वैसा गा पाना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं। मन्ना डे साहब अपने आप में एक बहुत महान विभूति रहे हैं और कई सारी रचनाएँ कई सारे ऐसे गीत उन्होंने हमको दिए हैं और यदि उनके गाए हुए गीतों को उनके बताए हुए अंदाज को थोड़ा बहुत भी यदि हम फॉलो करते हैं तो एक अच्छे गायक की उपाधि हमें मिल सकती है। हर गायक का सपना होता है कि उसकी गायकी में क्लासिकल अंदाज दिखे, क्लासिकल इफेक्ट दिखे, तो उसी में से ये गीत है। काफ़ी पुराना गीत है और आज भी काफ़ी इस गीत को सुना जाता है, गाया जाता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग इसको गाते हैं स्टेज पर। तो आज हम लोग एक एक इफेक्ट को देखने वाले हैं, आलाप को देखेंगे, तान को भी देखेंगे और बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अभी पूरे इस गीत पर कंप्लीट नोटेशन के साथ में वीडियो नहीं बना है, तो आज आपको एक एक इफेक्ट की नोटेशन, एक एक शब्द की नोटेशन आपको मिलने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और आखिरी के दोनों अंतरों में दो तान बताऊंगा आपको, एक तान में एड करके दूंगा आपको, वो भी आप गा सकते हैं ताकि उससे और भी ज़्यादा आपकी गायकी प्रभावशाली हो सके। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले स्वर समझ लेते हैं। राग दरबारी पर आधारित है, राग दरबारी पर मैंने और भी पहले वीडियो बनाए हैं, काफ़ी गीत बनाए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो देख सकते हैं, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं अभी फिलहाल जो इस गीत में आलाप का प्रयोग किया गया है वही स्वर आपको बताऊंगा, इसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं राग दरबारी के पिछले मेरे वीडियो देख करके, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आलाप देखते हैं, शुरुआत कैसे करना है। तो जो बिगिनर लोग हैं उनको शुरुआत कैसे करनी है और जो एडवांस लेवल के जो लोग हैं उनको शुरुआत कैसे करनी है, दोनों तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जो बिगिनर हैं उनको सिंपल आशावरी के स्वरों को लगाना है, सिंपल आशावरी के स्वरों की प्रैक्टिस करनी है हारमोनियम पे और गा के भी देखिए कि आशावरी की पहचान क्या है। गा धा और नी, तीन स्वर इसमें कोमल होते हैं, बाकी सभी स्वर शुद्ध प्रयोग होते हैं। स्केल मेरा स्टैंडर्ड है काली एक से आपको बता रहा हूँ, ऐसी स्केल का आपको सिलेक्शन करना है कि आपकी आवाज़ तार सप्तक के मध्यम तक चली जाए और मंद सप्तक में पंचम तक चली जाए। राग दरबारी का काफ़ी फैलाव होता है, ऊपर भी गाया जाता है नीचे भी गाया जाता है, तो ऐसी स्केल का आपको सिलेक्शन करना है। तो आइए सबसे पहले जो सिंपल था टासावरी है उसके स्वरों को लगाते हैं, देखिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा प मा गा रे सा, ठीक है। तो ये बिगिनर लोग
सिंपल आसावरी थाट के स्वर लगा सकते हैं, तो इस पे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपकी फिंगर सेट हो जाए। सारे गा मा ब ध नि सा सा नि ल प म ग रे सा। ठीक है, ये सिंपल आसावरी के स्वर हो गए। और जो एडवांस लेवल के लोग हैं उनको कैसे शुरुआत करनी है देखिए। मन्ना डे साहब शुरुआत में छोटा सा आलाप लेते हैं, उसकी नोटेशन देख लीजिए। रे से शुरू करना है, छोटा सा लाभ ले सकते हैं। आइए धीरे से देखते हैं। रे रे सा नी धा नी रे सा, ये पहला टुकड़ा हो गया। रे रे सा नी धा नी रे सा आ, 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 आ। रे रे सा नी धा नी रे सा। सेकंड देखिए, पापा मा पा नी पा ग, पापा मा पा नी पा ग आ, 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 आ। स्वर देखिए, पापा मा पा नी पा ग मा रे सा आ, 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 आ। देखिए पा गा भी ले सकते हैं, पा मा गा भी ले सकते हैं, लेकिन मीन के साथ लेना है तो मा नहीं बोलना है। ठीक है, देखिए पापा मा पा नी पा ग आ, 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 आ। उसके बाद ध नी रे सा आ, 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 आ। नी रे सा लास्ट में एड करना है। आइए इस अलाप को कंप्लीट फ्लो में देखते हैं। ठीक है, तो ये नोटेशन आपको ऊपर वीडियो में आ रही है, आप नोट कर सकते हैं। सिंपल ये अलाप ले सकते हैं। उसके बाद में पहली लाइन शुरू करना, देखिए कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको खड़े खड़े स्वर बता रहा हूँ, नोटेशन को जितना आसान तरीके से बताया जा सकता है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो माइनर इफेक्ट है आपको वीडियो में देख करके समझना है। देखिए, झनक झनक तोरी बाजे से देखिए। रे रे नी सा सा रे ग सा रे पा ग मा रे ग सा नी धनी, ये इसकी नोटेशन है। झनक झनक तोरी बाजे पायले, झनक झनक तोरी बाजे पायले, झनक किस तरीके से है? थोड़ा फ्लो में देखेंगे, देखिए कैसे आएगा। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक। स्वर देखिए, रे रे नी सा सा रे ग सा रे पा ग मा रे ग सा नी धनी, ये इसमें नोटेशन प्रयोग होगी। फिर से देखिए, झनक रे रे नी सा सा रे ग सा रे पा ग मा रे ग सा नी धनी, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक। ठीक है, इसके बाद सेकंड लाइन देखिए, माँ से लेना है। प्रीत के गीत माँ पसा, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया। फिर से देखिए, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया, मा पसा मा ग ग ग मा रे सा, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया। ये सिंपल है, इसी लाइन को दोबारा गाएंगे तो अलग थोड़ा इफेक्ट लेंगे। प्रीत के गीत, प्रीत के गीत मा पा नी पा मा पा सा, प्रीत के गीत
मा पानी पा मा पसा प्रीत के गीत सुनाए इस तरीके से सेकंड लाइन गानी है। आइए इसका अंतरा देखते हैं। रंग महला ओरे रे सुहानी, देखिए इसको सिंपल भी ले सकते हैं। मा पदानी सानी सा, ये सिंपल हो गया। आपको थोड़ा सा डिफरेंट भी ले सकते हैं एडवांस लेवल पे। रंग महल ओरे रे सुहानी, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया एडवांस लेवल पे। इसके बाद में एक चाहे तो आलाप ले सकते हैं छोटा सा। देखिए आलाप क्या रहेगा आपका। रंग महल ओरे रे सुहानी, रंग महल ओरे रे सुहानी, सुहानी नी जो है उस पे स्वर कौन कौन से देखिए। सुहानी सिंपल स्वर है धा नी पा, सा धा नी पा, ओके। सुहानी नी पे। रंग महल ओरे रे सुहानी, रंग महल ओरे रे सुहानी। अगला देखिए। छम छम नाचे मस्त जवानी, फिर से देखिए। छम छम नाचे मस्त जवानी, रंग महल ओरे रे सुहानी। अब चाहे तो आप यहां से सीधा रे से भी ले सकते हैं या नी से भी ले सकते हैं। नोटेशन में आपको एडवांस लेवल की दे रहा हूं, ठीक है। बाकी सिंपल में भी ले सकते हैं। सिंपल देखिए तरीका। रंग महल ओरे रे सुहानी, छम छम नाचे छम छम नाचे मस्त जवानी, ये सिंपल हो गया। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे देखिए। रंग महल ओरे रे सुहानी, छम छम नीरे रे रे, छम छम नाचे मस्त जवानी, छम छम नाचे मस्त जवानी, ठीक है इस तरीके से। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट लाइन रे से। मेले रो खोया जाऊं, फिर से देखिए। मेले रो खोया जाऊं, अब जो खोया जाऊं इसमें हरकत है, बहुत फास्ट हरकत है, स्वर ज्यादा है, शब्द दो है केवल। मेले रो खोया जाऊं, स्वर देखिए। रे 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 गर सानी धनी सा, ये स्वर इसमें प्रयोग हो रहा है। मेले रो खोया जाऊं, उसके बाद मां पे आ जाना है, सा मां का कोड लेना है। मेले रो खोया जाऊं, ऐसी धूप ऐसी धूप मबनी पम बसा, ऐसी धूप मचाए पायलिया, फिर से देखिए। ऐसी धूप मचाए, सा से सीधा मां पे आना है मीन के साथ में। ऐसी धूप मचाए पायलिया, ठीक है। इस तरीके से आपको पहला अंतरा गाना है। आगे के दोनों अंतरों की सेम नोटेशन है, लेकिन इसमें आलाप और तान का जो पार्ट है ये थोड़ा सा मुश्किल है। सभी लोग, ज्यादातर लोग यहीं अटकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ आलाप और तान। बाकी नोटेशन आपको नहीं दे रहा हूँ अंतरे की, वो आप फर्स्ट अंतरे की नोटेशन को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए अंतरा कैसे उठाना है। इंद्र धनुष सा
तारिया इंद्रधनुष सालोच कमरिया। हालात देखिए फिर से देखिए इंद्रधनुष सालोच कमरिया सारे सानिधर सारे सानिधनी इंद्रधनुष सालोच कमरिया। इसके बाद तान देखिए मबरा निसरे रे दा मबध निसरे रे रे गा रे गा सारे नी निसरे धनी सा पदनी मबध निसरे गा मारे सा धनी पा इंद्रधनुष सा लोच कमरिया। ठीक है फिर से देखिए धीरे से देखिए इंद्रधनुष सालोच कमरिया मा पधानी सानी सा या लाभ लेने के बाद में सारे सानी रानी प। इसके बाद आपको तान बोलनी है मा पधा धा पे रुकना है मा पधा नि सारे धा रे धा पधनी सरे रे 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 ग रे ग सारे नी सरे धनी सा पधनी मा पधनी सरे रे मा पधनी सरे गा मा रे सा धनी पा इंद्रधनुष सालोच कमरिया वृंदावन तरीके से आपको लेना है। आइए इसको कंप्लीट करते हैं इंद्रधनुष सालोच कमरिया वृंदावन की जैसे गुजरिया भाव विराग कर दिया आग में आग लगा सेकंड अंतरा हो गया। आइए तीसरा अंतरा देखते हैं। इसकी भी नोटेशन सेम है लेकिन इसमें आलाप और तान इसमें है नहीं एक्चुअली एक ही तान है लेकिन मैं आपको एक तान और दे रहा हूँ वो भी आप चाहे तो इसमें बोल सकते हैं शामिल कर सकते हैं। आलाप देखिए सबसे पहले इसके बाद में फिर अंतरा उठाना है। ये आलाप आता है बीच में उसके बाद में तीसरा अंतरा आता है। देखिए फिर से सा नि प नि सा गा रे सा रे सा नि सा प थोड़ा सा फास्ट है ये पनी सा गा रे सा रे सा नि सा प सा गा सा नि द धनि सा नि द सा गा सा नि द नि सा रे गा रे सा नि द धनि सा रे गा सा नि द सा ये कजरारी चंचल अखिया। इस तरीके से इतना कंप्लीट आलाप आता है काफी बड़ा आलाप है और थोड़ा सा फास्ट है। मैंने आपको धीरे बताया ताकि आपको स्वर समझ में आए कौन कौन स्वर इसमें किस तरीके से लेना है। बाकी इस गाने को आपको सुनना है तब आपको पूरा इफेक्ट समझ में आएगा। तो ये आलाप के स्वर हो गए। इसके बाद में तीसरा अंतरा उठाना है ये कजरारी चंचल अखिया
जरारी चंचल किया अखियां ये कजरारी चंचल किया। इसके बाद तान बोलना है, ये तान इसमें है नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको अच्छा लगता तो शामिल कर सकते हैं। सिंपल वही तान है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है बस। देखिए बाकी आदि तान वही रिपीट करिए मैंने जो सेकंड यंत्र में है, थोड़े से स्वर बस ऐड करें हैं दूसरे। देखिए फिर से, ये कजरारी चंचल अखियां कजरारी चंचल अखियां। तान ऊपर आ रही है, नोट कर सकते हैं आप। ये कजरारी चंचल अखियां होठ गुलाबी फूल की पत्तियां लट उलझे तो गाल पे ठहरे जिया की उड़ा जनक जनक तोरी बाजे पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया प्रीत के गीत सुनाए पायलिया ठीक है। तो इस तरीके से आप इस गीत को गा सकते हैं, मैंने पूरा जितना भी क्लासिकल इफेक्ट हम ला सकते हैं सभी ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश की है, अलावा आपको बताए हैं दो ताने भी बताइए। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए, पहले आपको इस गाने को सुनना है ताकि पूरा फ्लो समझ में आए। जब तक फ्लो कंपोजिशन समझ में नहीं आएगी सीधा गाने के लिए प्रयास नहीं करना है, पहले सुनना है इस गीत को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ये नोटेशन सभी लोगों तक पहुँचे, क्योंकि अभी तक इस गीत पर कंप्लीट नोटेशन नहीं बनी है, एक एक लाइन पर लिखित में नोटेशन कहीं भी उपलब्ध नहीं है। बाकी कई सारे लोगों ने वीडियो बनाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको गायकी में शामिल करेंगे, अभ्यास करेंगे। बाकी बताने को काफ़ी कुछ मैंने बताया है, बाकी जितना प्रयास करेंगे उतना होगा। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ नए अंदाज में फिर से आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।